बचपन से मुझे सपने आते थे कि मैं अपने 29वें जन्मदिन पर मर जाऊंगा, एक बहुत बुरी मौत, और सपना भी ऐसा जहां मैं पानी में डूब रहा हूं, हाथ पैर मार रहा हूं, लेकिन मुझ डूबते को तिनके का सहारा भी नहीं मिल रहा। लाख कोशिशों के बावजूद कोई फायदा नहीं हो रहा था, और इसके ऊपर एक अजीब सी आवाज मुझे परेशान किए जा रही थी। मेरी दिक्कत किसी को क्या बताता, समझ सके ऐसे मां बाप की मौत हो चुकी थी, और इन दिक्कतों की वजह से मुझे पागल समझने वाली मेरी बीवी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं थक गया हूं बता बता के सबको, मैं पागल नहीं हूं, बीमार भी नहीं हूं। या शायद मैं सचमुच पागल ही हूं, क्योंकि वो आवाज जो मुझे परेशान करती है मुझे अभी भी सुनाई दे रही है। इस खाली कमरे में मुझे लग रहा है जैसे पानी भरा है, मेरा दम घुट रहा है। मैं पागल नहीं हूं, परेशान हूं, मैं मरना नहीं चाहता। कौन समझेगा मेरी बात, कौन मानेगा मेरी बात? मैं पागल नहीं हूं। सुबह हो गई है, रोज की तरह एक और दिन है जब मैं दुनिया के सामने और खुद के सामने खुद को सही साबित कर पाऊंगा। मेरी वजह से आसपास के लोगों को दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने यहां इस सुनसान मैदान में कब्रिस्तान के पास अपने लिए ये घर बनाया। घर में एक भी नल नहीं है, सारे नल मैंने निकलवा दिए हैं, लेकिन फिर भी पानी की आवाज न जाने कहां से आती है। पूरे घर में कहीं पर भी लकड़ी का कोई सामान नहीं है, सब कुछ लोहे का है, फिर भी यह आवाज कहां से आती रहती है। मुझे ना मेरे घर में कोने में बैठा कोई दिखाई दे रहा है, जिसके हाथ किसी चीज पर चल रहे हैं, कुछ काट रहा है। ये लगता है ये शायद मेरा घर नहीं है, क्योंकि मेरे घर में तो सब कुछ लोहे का है ना। मैं घर जाऊंगा, पर कैसे? मेरा घर कहां है? यही मेरा घर है या कोई और? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पागल हुए जा रहा हूं। इस आखिरी पन्ने को पढ़कर हंसते हंसते जय ने डायरी बंद करी और उसे टेबल के ऊपर रख दिया और टीवी चलाया। टीवी पर भी
हॉरर फिल्म ही आ रही थी। देखते देखते कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। नींद में ही जय को कुछ आवाजें आने लगी जिन्होंने धीरे धीरे उसकी नींद तोड़ दी। आंखों को मलता हुआ उठा तो देखा उसके घर के अंदर कमरे के दरवाजे के पास एक आदमी बैठा रो रहा है और दूसरे कमरे की ओर डर डर के कभी देख रहा है तो कभी आंखें बंद करके मुंह छुपा ले रहा है। और फिर अचानक ही जय को देखकर उसने कहा, अच्छा हुआ जय तुम उठ गए, ये देखो ये वो आदमी जो मुझे डराता है। जय ने नजरें दौड़ाई तो कमरे के बाहर उसे एक आदमी और दिखा जो अपनी पीठ जय की तरफ किए हुए था। रोते हुए उस आदमी ने जय को उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जय यही वो आवाज है जो मेरी डायरी में पढ़ी थी तुमने अभी, बहुत परेशान करती है मुझे, बहुत परेशान करती है। इतना कहते कहते वो आदमी फूट फूट के रोने लगा और रोते रोते ही उसने कहा, देखो ना मैं कितना भी रोऊं गिड़गिड़ाऊं मानता ही नहीं है, मुझे इससे बचाओ ना जय, मुझे बचा लो इससे जय, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ जय, मुझे बचा लो। एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। जय को यकीन ही नहीं हो रहा था अपनी आंखों और कानों पर। उस आदमी की आवाज सुनकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे डायरी में लिखी हर एक बात उसने पढ़ी नहीं थी बल्कि इस आदमी ने उसे सुनाई थी। बड़ी बड़ी आंखों से जय कभी उस रोते हुए आदमी का चेहरा देखता जो उसे बहुत जाना पहचाना लग रहा था, और कभी उस आदमी को देखता जो इन दोनों की तरफ पीठ किए हुए कमरे के बाहर बैठा था और शायद आरी से लकड़ी काटे जा रहा था। जय ऐसे ही बुत बना बैठा था वहां जब उसके घर की डोरबेल बजी और जैसे उसकी आंखों के सामने सब कुछ पल भर में ही गायब हो गया। जय ने आधी बेहोशी में जाके दरवाजा खोला, दूध वाले ने दूध दिया और वापस दरवाजा बंद करके जैसे ही टेबल पे दूध का बर्तन रखा तो जय को ख्याल आया कि कल ही तो आया हूं मैं यहां, दूध वाला कहां से आया। सब कुछ जय की समझ से परे था। उसने सोचा कि जॉगिंग पे चला जाए, कपड़े बदल के जूते पहने और इस बार दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो देखा घड़ी में रात के 2:56 बज रहे थे। जय ये सपना देख के बिल्कुल हांफता हुआ नींद से जागा। सांस में सांस आई ये सोचकर कि ये सब कुछ एक सपना था
एक ऐसा सपना जिसे जितनी जल्दी भुला दे उतना अच्छा था। माथे का पसीना पहुंचा ही था जय ने कि उसने सामने देखा जॉगिंग शूज बेड के पास खोल के रखे थे। कंबल हटा के देखा ट्रैक सूट और मोजे अभी भी पहने हुए थे जय ने। धीमे धीमे बिस्तर से नीचे उतरा दरवाजे तक गया तो उसको दो झटके और लगे। लकड़ी का बुरादा पूरे फर्श पर फैला हुआ था और टेबल पर दूध का बर्तन रखा हुआ था। जय का हाथ सीधे उसके माथे पे गया और वो सोच में डूब गया कि ये सब आखिर था क्या। दिमाग पे बहुत जोर डाला लेकिन याद उसे कुछ भी नहीं आया। गुस्से में जय ने झाड़ू उठाई और फैला हुआ बुरादा समेटने लगा। बुरादा समेट कर उठाने गया तो याद आया कि उठाएगा कैसे। डस्ट्रे लेने दो कदम चलकर टेबल के नीचे झुका तो पीछे से एक आवाज आई। पलट कर देखा झाड़ू दूसरी तरफ पड़ी थी और बुरादा पूरे कमरे में वापस फैला हुआ था। जय जैसे अब जिद पे अड़ गया। अपने हाथों से बुरादे को समेट कर एक जगह करने में लग गया। बुरादा इकट्ठा करके सामने पड़े कागज पे ही उसे उठाने लगा तो पीछे से किसी के कदमों की आहट हुई और वो जो भी था ठीक जय के 2 इंच की दूरी पर आकर रुक गया। जय पलटा तो देखा उसके जूते ठीक उसके पीछे 2 इंच दूर ही पड़े थे। जय का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसने कागज पे बुरादे को उठाया और उन कागजों और जूतों को एक पैकेट में भर के दंदराता हुआ बाहर निकला और पूरी ताकत लगा के उस पैकेट को फेंक दिया बाहर। पलट के टेबल पे रखा दूध का बर्तन उठाया और सीधे किचन में सिंक के पास गया और बर्तन को उलट दिया। पूरा दूध सिंक में भर गया और धीरे धीरे नीचे पाइप से जाने लगा लेकिन उसके पाइप से जाने की आवाजें ऐसी हो रही थी जैसे कोई उस दूध को पिए जा रहा था। जय ने पाइप से नीचे देखने के लिए पाइप के ठीक ऊपर से आंख लगाकर नीचे की ओर देखा तो सारी दूसरी आवाजें बंद हो चुकी थी और एक पल के सन्नाटे के बाद जय की गर्दन जैसे किसी ने पकड़ के सिंक से चिपका दी थी। वो छूटने की कोशिश कितनी भी कर रहा था लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो आवाजें तेज होती जा रही थी और जय के कानों के पास आती जा रही थी और थोड़ी ही देर में एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। जय का सर सिंह के कोने पे किसी ने ऐसे मारा कि वो कराहते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा। ये सब कुछ क्या था अब पता
पता चलने वाला था उसे। होश आने पर जय ने देखा कि उसके सर पे पट्टी बंधी है और वो अपने बिस्तर पर लेटा है। उसने ढंग से आंख खोली तो देखा सामने दीवार पे किसी का पता लिखा हुआ था। ये पता वहां से 30 किलोमीटर दूर किसी एक छोटे से गांव का था। सर पे पट्टी, दर्द और अपने जहन में कई सवाल लिए जय उस पते को ढूंढने निकल पड़ा। तकरीबन 25 किलोमीटर तक तो सवाल थे, लेकिन आखिरी 5 किलोमीटर जैसे जय को रटे हुए थे। किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ा, बिल्कुल सही जगह। जय बस से उतरा और खुद ही न जाने क्या ढूंढता ढूंढता एक गली तक जा पहुंचा। रास्ते में एक दो लोग जो उसे दिखे, उन्होंने बड़ी ही अजीब और डरी हुई निगाहों से कुछ पल के लिए जय को देखा और फिर ऐसे मुंह फेर लिया जैसे वो किसी भी झमेले में नहीं पड़ना चाहते थे। कई चेहरे बड़े जाने पहचाने से लगे जय को, लेकिन जय तो इससे पहले यहां कभी आया ही नहीं था। गली धीरे धीरे संकड़ी होती जा रही थी और आखिर में एक कोने में एक टूटा फूटा सा, लेकिन उस इलाके में किसी जमाने में सबसे अच्छा रहा मकान दिखते ही जय के कानों में एक बार फिर से कुछ आवाजें तेज होने लगी। एक एक बढ़ते कदम के साथ वो आवाजें बढ़ती गईं और जैसे ही जय दरवाजे के पास पहुंचा आवाज बिल्कुल बंद हो गई। दरवाजे पे हाथ रखे इससे पहले ही किसी के खुशबुसा के कुछ बोलने की आवाज सी आई। जय ने दरवाजा खोले बगैर उस पे कान लगाया तो उसे किसी औरत की आवाज सुनाई दी जो किसी से कह रही थी कि तुम यहां पीछे से निकल जाओ, उन्होंने देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। जय को जैसे अचानक कुछ याद आया, उसने दरवाजा खोला इस उम्मीद में कि जिसकी भी आवाज है वही जय के सारे सवालों का जवाब दे पाएगी। लेकिन दरवाजा खोला तो देखा वहां अंदर कोई नहीं था। जय धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाता हुआ घर के अंदर गया तो बीचों बीच जैसे ही पहुंचा वही आवाजें उसे फिर से आने लगी, जैसे पास ही पानी गिर रहा था और ठीक सर के ऊपर ही कोई लकड़ी काट रहा था। जय ने ऊपर देखा तो कुछ उसके सर पे आकर जोर से लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। आंखें बंद होती गई और उसे यही कमरा साफ साफ दिखाई देने लगा, लेकिन सजा धजा नया सा, लेकिन माहौल अजीब सा है। उसने देखा कि एक औरत और आदमी सर झुकाए खड़े हैं और जय उन पर चिल्ला रहा है। मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम क्या कर रही थी इस आदमी के साथ। इतने दिनों से मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा था मुझे सब कुछ मालूम चल गया है। वो औरत
हाथ जोड़कर माफी मांग रही है, पर जय कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। और अचानक ही जय ने गुस्से में अपनी बीवी के सर पर एक सरिया निकालकर मारना शुरू कर दिया। घर के अंदर मौजूद वो दूसरा आदमी जब जय को रोकने गया तो जय उसे भी मारने लगा और तब तक मारते रहा जब तक दोनों मर नहीं गए। फिर घर के सारे नल चलाकर पानी पानी करके फैले हुए खून को उसने साफ किया। दोनों की लाशों को पॉलिथिन में लपेट कर बोरे में भरा और सीधे गाड़ी में लेकर अपने इस घर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर उस कब्रिस्तान के पास एक मैदान में दफना दिया जहां आज जय का घर था। जय ने आगे देखा कि उन दोनों को मारने के बाद उसने पुलिस केस और समाज में शर्मिंदगी से बचने के लिए खुद को भी मौत के घाट उतार दिया। ये सब कुछ देखते देखते ही जय को होश आया। दरअसल इस घर में आने के बाद चोट लगने से जो कुछ भी उसने देखा वो जय के पिछले जन्म का सच था। एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। पिछले जन्म में उसकी बीवी का कारपेंटर से अफेयर होने की वजह से उसने दोनों को मार दिया था। जय को जब पूरी तरह से होश आया तो उसने पाया कि वो एक कुर्सी पर खड़ा था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और अपने सपने में उसने जिस औरत को देखा था वो औरत दरवाजे के पास खड़ी थी और जय की कुर्सी के ठीक नीचे कुर्सी के पायों के पास बैठा वो आदमी ऊपर जय को मुस्कुराता हुआ देख रहा था और कुर्सी के पायों को काट रहा था। जय के पिछले जन्म के पाप उसे इस घर में वापस खींच कर लाए थे और जिस घर में उसने अपनी बीवी और उस कारपेंटर को मारा था उसी घर में जय की मौत भी हुई। कहते हैं पापों की सजा जरूर मिलती है, या तो इस जन्म में या अगले जन्म में। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।